सबसे पहली चीज, मान लो आपके पास एक बैटरी है, बैटरी की ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, मैंने एक वायर कनेक्ट की कैपिटल आर, तो कैपिटल आर जितनी ज्यादा होगी करंट इसमें उतना ही कम होगा, क्योंकि आई क्या होता है, ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो करंट इसमें कम हो जाएगा सर्किट में। आपको यह बताना है कि अगर मैं कैपिटल आर इंक्रीज करूंगा तो इसकी ईएमएफ में कितना फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी या कम होगी, इसकी ईएमएफ अगर मैं कैपिटल आर इंक्रीज करूंगा इसकी ईएमएफ कितनी चेंज हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, सेम रहेगी, कम होगी कि ज्यादा होगी। अच्छा, मेरे को इस कंपनी ने कहा था, एच वाई डब्ल्यू कंपनी है कोई, चाइनीज होगी, जो भी होगी, तो जो भी कंपनी है इसमें लिखा हुआ है ये 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं इसके अक्रॉस 4 ओम की रेजिस्टेंस लगाऊं या 40 ओम की रेजिस्टेंस लगाऊं, कंपनी कहती है 9 वोल्ट है तो 9 वोल्ट ही अगर आप करंट बाहर नहीं निकालोगे क्या फर्क पड़ता है उससे। तो इसलिए ईएमएफ जिस फैक्ट्री ने बनाई है इसकी 9 वोल्ट सेल की, वो तो 9 वोल्ट ही है, उसने ये तो नहीं कहा था कि तुम बल्ब चलाओ या टॉर्च चलाओगे ये 9 वोल्ट की जगह 3 वोल्ट देगी, क्यों देगी भाई, 9 वोल्ट की चीज 9 वोल्ट देगी, तो ईएमएफ में कैपिटल आर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ग्राफ विल रिमेन सेम, सर्किट में कैपिटल आर इंक्रीज करोगे ईएमएफ में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, पहला ग्राफ अगर मार्क करने को आ जाए हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं किसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, ईएमएफ का मींस वी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का और कैपिटल आर का, इसमें फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आई इंटू कैपिटल आर होता है, कैपिटल आर चेंज होगा तो वी भी चेंज होगा। अब इसमें आई क्या होता है पूरे सर्किट में, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, कैपिटल आर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये टर्म आ गई, तो मुझे ग्राफ प्लॉट करना है वी वर्सेस कैपिटल आर का, तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा ये देखो, अगर कैपिटल आर को आप डिनोमिनेटर में इंक्रीज करते हो तो ये फ्रैक्शन डिक्रीज होगी, पूरा डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो वी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो अगर मैं कैपिटल आर को कम करता हूं तो ये फ्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा, पूरा डिनोमिनेटर ज्यादा तो वी, रिपीट कैपिटल आर को क्या करता हूं इंक्रीज तो इसका डिनोमिनेटर इंक्रीज तो ये फ्रैक्शन डिक्रीज, तो पूरा डिनोमिनेटर डिक्रीज तो वी इंक्रीज, तो पता लग रहा है कि वी बढ़ेगा। अगर मैं कैपिटल आर को जीरो करता हूं, जीरो तो वन आर बाई जीरो इज इंफिनिटी, पूरा डिनोमिनेटर इंफिनिटी, ई बाई इंफिनिटी क्या होता है जीरो, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। अगर मैं कैपिटल आर को स्मॉल आर करता हूं तो स्मॉल आर बाय स्मॉल आर वन, वन प्लस वन टू, तो वी क्या आएगा ई बाई टू। अगर मैं कैपिटल आर को बहुत इंक्रीज करता हूं इन्फिनिटी तो वन बाई इन्फिनिटी क्या है जीरो, और डिनोमिनेटर में ये क्या आ जाएगा कैपिटल आर, अगर मैं सपोज इसको जीरो करता हूं तो आंसर क्या आएगा सिर्फ ई, वन बाई जीरो इज वन बाई जो इन्फिनिटी है वो क्या हो जाएगा जीरो। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा, कैपिटल आर पे ई एम एफ ई बाई टू, फिर कैपिटल आर बढ़ रहा है तो ई एम एफ क्या हो जाएगी बहुत देर के बाद ई के इक्वल हो जाएगी कुछ ऐसे। तो अगर ग्राफ प्लॉट करना आ गया पेपर में मार्क करो तो प्लीज ये ग्राफ मार्क करना, ऐसा ग्राफ होगा, ई का कांस्टेंट होगा वी का इंक्रीजिंग होगा, राइट। नेक्स्ट, अगर ग्राफ आ गया वी और आई का, इस बार टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और आई का ग्राफ है, तो हमने वी क्या किया था ई माइनस आई आर, एक काम करते हैं इस टर्म को आगे इस टर्म को पीछे, तो वी की वैल्यू वाई एक्सिस पे है, करंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे वी का मतलब वाई है और करंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है तो ये एक्स है, तो इसे कंपेयर करेंगे मैथ्स में वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, ये सुना होगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो इसमें स्लोप नेगेटिव आएगी, स्लोप नेगेटिव का मतलब ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ नीचे आएगा, ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है तो ये टिक मार्क करने को आएगा वी और करंट का ग्राफ, तो ऐसे टिक मार्क करेंगे बैटरी और इसके लिए, क्या पॉइंट क्लियर है, देखो सीधा ग्राफ आएंगे तो एक्सप्लेनेशन है, टिक मार्क करके ग्राफ ऐसे मार्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके पास ये एक मान लो ईएमएफ कोई बैटरी है ई, और वो क्या कह रहा है कि एक वोल्ट मीटर लिया हमने, वोल्ट मीटर जो लिया वो हाई रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर लिया, देखो रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की हमेशा हाई रहती है, बहुत हाई होती है, और आइडल वोल्ट मीटर की तो इन्फिनिटी होती है,
इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि 2 लाख करोड़ है, मतलब बहुत बड़ी है, इसे इन्फिनिटी बोलते हैं फिजिक्स में। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे अगर कोई भी वोल्ट मीटर का काम क्या है, अगर ये कैपिटल आर है और इसमें आई करंट जा रहा है, तो और मेजर करना चाहते हो आई इंटू आर का प्रोडक्ट वी, तो वोल्ट मीटर लो इसके साथ पैरेलल में लगा दो, इससे क्या होगा पैरेलल में वी की वैल्यू क्या हो जाती है सेम, तो जितना वी नीचे होगा उतना वी ऊपर आ जाएगा। ये वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर मेरे को ये डर है कि पीछे से जो करंट आ रहा है वो सारा इसी में जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें चला गया तो मेरा नीचे का करंट कम हो जाएगा, मैं वी कम हो जाएगा, तो मेरे को तो पूरा करंट पास करवाना है। तो मैं ये चाहता हूं कि वोल्ट मीटर में बिल्कुल मिनिमम करंट हो या ना मात्र करंट हो, इसके लिए मैं इसकी रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा हाई रखूंगा ताकि इसमें बिल्कुल भी करंट ना जाए, मेरा करंट इसके पास ही रहे इसमें ना जाए। इसलिए बोला जाता है कि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा क्या होती है हाई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही लगता है, ठीक है यहां तक? तो अब इसके अंदर वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाएगा, करंट पता है कहां जाएगा? यहां से होता हुआ यहां जाएगा। ये तो वोल्ट मीटर दिखाने की मशीन है, ये करंट थोड़ा लेता है, एक्चुअल में तो बस वो ऐसे है। अब वो कह रहा है कि वोल्ट मीटर को जब मैंने कहां कनेक्ट किया, सेल के अक्रॉस कनेक्ट किया, बस ऐसे नहीं, सिर्फ सेल के अक्रॉस, तो वैल्यू कितनी मेजर की उसने 2.2। जब सिर्फ सेल के अक्रॉस उसको लगाया गया तो इसने तो करंट लेना नहीं, वोल्ट मीटर ने तो कोई करंट लेना नहीं, तो इसने क्या मेजर कर दिया? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ। तो ईएमएफ की वैल्यू 2.2 है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैंने इसमें रेजिस्टर साथ में लगाया 5 ओम का, तो वोल्ट मीटर का पोटेंशियल गिर गया 1.8। क्यों? क्योंकि अब रेजिस्टर लगाने से करंट दौड़ना स्टार्ट हो गया, करंट जब बैटरी में से निकला तो ई की जगह क्या आ गया? वी। अब वी पता है, ई पता है, कैपिटल आर पता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या किया था लास्ट टाइम? ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें कैसे करने समझ में आ रहा है? ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था इंटरनल रेजिस्टेंस का आंसर, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन को एक बार देखें प्लीज, क्या क्वेश्चन है? देखो, बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2, तो एक बैटरी 12 और 2 की इज कनेक्टेड टू 4 ओम रेजिस्टर गिवन है एज शोन। शो दैट वोल्ट मीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस सेल एंड अक्रॉस रेजिस्टर इन टर्न गिव्स द सेम रीडिंग। कह रहे एक बार वोल्ट मीटर को यहां लगाया, वी मेजर किया, एक बार यहां लगाया, इसको हटा दिया, हटा के यहां लगा लिया, वी मेजर किया, आंसर सेम आएगा। हमें तो पता है थ्योरी में सेम आएगा, मैथमेटिकल कर दो। तो एक काम करो, वोल्ट मीटर ने करंट तो लेना नहीं, एमीटर करंट लेते हैं, एमीटर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, हम इसकी रेजिस्टेंस निग्लेक्ट करते हैं, तो सारा करंट इसमें से मेजर होगा, तभी मेजर करेगा करंट। तो करंट होगा क्या? 12 / 2 + 4, 2 एम्पियर, क्योंकि करंट इज E/R, E/R+R। तो इसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? E - IR। तो ई पता है हमें 12, करंट हमें पता है और आर पता है आंसर। और इसके अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगेगा तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर, तो आई की वैल्यू 2 है और आर कितना है? 4। आंसर दोनों में एग्जैक्टली सेम है, तो यही प्रूव करना है कि आंसर सेम आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन पढ़ना,
क्वेश्चन है, बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, ये रही बैटरी 12 वोल्ट की, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, इज टू बी चार्ज बाय अ बैटरी चार्जर, बैटरी का चार्जर है जो क्या सप्लाई करता है 110 वोल्ट, तो ये भी बैटरी, ये भी बैटरी, ये डिस्चार्ज होगी तो ये चार्ज होगी, अब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बैटरी है 110 की, तो करंट इसके पॉजिटिव से निकलेगा, निकल यहां से भी सकता है पर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले की बड़ी बैटरी की जिसकी वोल्टेज बड़ी है उसकी सुनी जाएगी, तो यहां पर ये बैटरी कहेगी मेरा करंट बाहर निकालो, ये कहेगी मेरा निकालो, पर इसका सुनना पड़ेगा, तो ये करंट बाहर निकल के इसमें एंटर करेगा, तो ये बैटरी क्या होगी, चार्ज। तो कैसे फैसला होता है दो बैटरी को देख के चार्ज कौन होगा डिस्चार्ज, जिसकी वी की वैल्यू बड़ी होगी या ईएमएफ बड़ी होगी वो काम शुरू करेगा अपना। तो अब इसमें वो कह रहे हैं हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी, इसके साथ कैपिटल आर कितना लगाऊं ताकि करंट पूरे सर्किट में सिर्फ 5 एम्पियर ही रह जाए बस। व्हाट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, कह रहा है इसमें फिर वी की वैल्यू भी बता दो क्या होगी। अब क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमें इसमें क्या निकालना है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और एक हमने पहले कैपिटल आर भी निकालना है। देखो कैपिटल आर निकालने का तरीका क्या है, आपको करंट पता है, आपको दो तरीके हैं, आपको करंट पता है, आप ऐसा करें करंट की वैल्यू बोलो, बोलो क्या होगी, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल क्या है कैपिटल आर, इंटरनल क्या है 0.5, डन। ईएमएफ क्या लें, 110 लें या 12 लें, दोनों लें भाई, दोनों बैटरी लेंगे दोनों लेनी पड़ेगी, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, 110 बड़ी है और वो 12 वोल्ट को दबा देगी, मैं बता रहा हूँ कम कर देगी, क्योंकि 110 या ऐसे कर लो, चलो इधर से इधर चलते हैं, माइनस से जब प्लस जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस 110, प्लस से माइनस आ रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है तो माइनस 12, तो वैसे भी देख सकते हैं कि बड़ी बैटरी में से छोटी बैटरी को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये लो। तो आपको करंट इस क्वेश्चन में 5 पता है, तो आप यहां से सॉल्व करके कैपिटल आर निकाल लेना। पर यहां ना लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यार ये क्या प्लस माइनस कैसे करें, इसका सबसे आसान तरीका है ऐसा ना करें, आप कुछ ना करें, आप लूप लॉ लगा दें बस। इसमें करंट बाहर कौन निकालेगा, बड़ी बैटरी, यहां से होती हुई ऐसे करंट जाएगा, किरचॉफ लॉ शुरू करो, लूप लॉ, यहां से स्टार्ट होके वापस यहां आते हैं, तो बोलो जब यहां से यहां जा रहे हैं तो माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, जब माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस 110, फिर यहां से प्लस से माइनस पे आ रहे हैं तो माइनस 12, करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो माइनस 5 × 0.5, और करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो माइनस 5 × r और इक्वल टू 0, अपने आप जो बचा कैपिटल आ जाए, बात ही खत्म। सबसे बेस्ट तरीका यही है, दो हो बैटरी, तीन हो, चार हो, जितनी मर्जी लगाते जाओ, जब लूप लगेगी तो सारे प्लस माइनस अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये वैल्यू आ गई। तो मैंने इसमें नोट भी लिखा हुआ है कि अगर बैटरी की डिस्चार्जिंग होती है तो ये फॉर्मूला, और चार्जिंग होती है तो ये फॉर्मूला, राइट। तो उसने क्वेश्चन में ये भी पूछा इसके अंदर कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलो इसमें क्या होगा, आप मुझे ये बताओ 12 वोल्ट की चार्जिंग हो रही है कि डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, ये चार्ज कर रही है, चार्जिंग हो रही है, तो वी का फॉर्मूला क्या होगा, 12 + IR, माइनस नहीं, 12 + IR, आंसर, ठीक। जनरल नॉलेज के लिए पूछा नहीं उसने, उसने कहा कि इस क्वेश्चन में उसने हमें कैपिटल आर लगाने को कहा ताकि वायर में करंट 5 एम्पियर रहे, वो कहता है चलो जी अगर मैं आर लगाना भूल गया, मैं नहीं लगाता आर, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं कैपिटल आर नहीं लगाता तो क्या बचेगा, सिर्फ 0.5, तो आपका करंट जो होगा टोटल ईएमएफ बाय सिर्फ 0.5 होगा, कैपिटल आर तो हट गया, तो करंट पे पता कितना आएगा, 195 एम्पियर, 5-6 एम्पियर पे घूमते हैं करंट यहां पर, तो इतनी बिजली चलती है, 196 I² RT हीटिंग इफेक्ट लग जाएगा, उसी टाइम धुएं छोड़ जाएगा चार्जर और सड़ जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस लगाई जाती है ताकि वैल्यू क्या हो, करंट की लो रखी जाए, नॉलेज के लिए है ये, ठीक है।
इस क्वेश्चन के अंदर आपको V वर्सेस I का ग्राफ दे रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ दे रहा है, आपको ग्राफ से बताना है कि EMF कितनी है। EMF का मतलब जब करंट क्या होगा, जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस को EMF बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 1.4 वोल्ट आंसर। नेक्स्ट है मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, साफ पता लग रहा है कितना है, 0.28। इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, देखो अगर आप कैपिटल आर को नहीं लेते, सिर्फ बैटरी लेते हो, बैटरी में के अंदर अगर आप ओम नो लगाते हो, ई इज आई आर, तो क्योंकि आपने यहां पर ई लिया, ई तो मैक्सिमम होता है, आर तो कांस्टेंट है, तो करंट भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, तो यहां से आंसर आ जाएगा 5 ओम। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि कैसे निकालना है।